स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड यूनिट फोर्थ। ओके, इसमें हम पहली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है हमारी, जो अवकल समीकरण है उसकी घात और कोटि के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर और डिग्री जो होती है ना, उसके बारे में पढ़ चुके थे कि घात क्या होती है, कोटि क्या होती है, ये हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एक घात एवं एक कोटि वाली अवकल समीकरण। ठीक है, तो हम एक घात और एक कोटि वाली अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, आज उसके हम मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वह जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली कौन सी टर्म कैसे होगी, डिवाइड बाय dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन फाई ऑफ एक्स वाई। मतलब ये जो इक्वेशन होती है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, एक घात और एक कोटि वाली अवकल समीकरण है। ओके, मतलब कैसे कह सकते हैं, देखो हमारे पास यहाँ कौन सा डेरिवेटिव, कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एक ही बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसका, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, और इसके फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर घात कितनी है, एक ही घात है, इसका मतलब हमारे समीकरण जो है वो एक घात और एक कोटि की अवकल समीकरण है। ठीक है, डिवाइड बाय डीएक्स आ गया, मतलब अवकल समीकरण होगी होगी। अब इसको पढ़ने के हमारे पास चार पांच मेथड्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के मेथड्स है, मेथड ऑफ सेपरेशन, चरों का पृथक्करण विधि, होमोजीनियस विधि, उसके बाद दो चार मेथड और है, हम क्रम वाइज एक एक मेथड को यूज करेंगे। आज हमारा फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन। चरों का पृथक्करण, चरों की पृथक्करण विधि, मतलब चरों को पृथक करके हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके मेथड पढ़ेंगे। कि ये क्या मेथड है हमारे, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे, जिसका पहला मेथड हमारे पास है मेथड ऑफ सेपरेशन, चरों की पृथक्करण विधि। ठीक है, चरों की पृथक्करण विधि। अब हम एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स। ओके, अब सेपरेट करो, सेपरेट का मतलब एक्स और डीएक्स को सेपरेट कर दो, वाई डीवाई को सेपरेट कर दो। ठीक है, अब देखो डीवाई है तो डीवाई के नीचे डीवाई ले लेते हैं हम, डीवाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इजिली सेपरेट कर लिया हमने, अब इसका करूंगे हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c।
ठीक है, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स सी। हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को भी हमने टेन के फॉर्म में ले लिया। कैसे भी ले सकते हैं हम, जैसे कई बार लॉग आता है तो हम लॉग में लेते हैं ना, बस ऐसे हमने इसमें टेन में ले लिया। अब क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स को उधर कन्वर्ट कर दो, क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी। अब लगाओ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। क्या होता है, टेन इनवर्स फॉर्मूला है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। अब हमारे पास वाई माइनस एक्स, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो क्या लगाएंगे, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हमने। अब देखो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। ठीक है, देन अवर सॉल्यूशन इज y माइनस एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई इंटू सी। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई प्लस इंटू सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है थ्री ई टू द पावर एक्स टेन वाई डीएक्स प्लस वन माइनस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डीवाई इक्वल टू जीरो। क्या है, थ्री ई टू दी पावर एक्स टेन वाई डीवाई डीएक्स प्लस वन माइनस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डीवाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के लिए दोनों को अलग अलग कर दो पहले। तो थ्री ई टू दी पावर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ओके, सबसे पहले हमने इनको अलग अलग कर दिए। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स डी एक्स एक्स को और वाई डी वाई को सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे डीवाई डीवाई वाले टर्म्स इधर ले आओ, डीएक्स वाली को इधर ले जाओ। देन थ्री ई टू दी पावर एक्स डीएक्स अपॉन वन माइनस ई टू दी पावर एक्स, थ्री ई टू दी पावर एक्स डीएक्स अपॉन वन माइनस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई डीवाई अपॉन टेन वाई। ठीक है, सेक स्क्वायर थ्री टू दी पावर एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डिवाइड अपॉन टेन वाई। अब मैंने इसको इधर ले ली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थ्री ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू वन माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, थ्री तो बाहर निकाल दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स
dx upon 1 minus e to the power x plus integration of sec square y dy upon tan y equal to 0। ठीक है, आप करो इसको इंटीग्रेशन, करो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो बाहर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू वी रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 माइनस ई टू दी पावर कट। अब हम क्या किया, हमने 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे इसकी जगह हम वी रखेंगे। जब 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू वी रखेंगे तो माइनस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। पर हमारे पास है e टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डीवी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, सेकेंड में क्या करेंगे हम, टेन वाई की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे, क्या रखेंगे, टी। देखो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करने पे हमको ऊपर वाला फाइंड आउट हो रहा है, जब भी ऐसा होता है तो हम नीचे वाले की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे, जिससे ऊपर वाला हमको मिल जाएगा। ओके, तो इससे क्या करेगा, ये 3 इंटू, जब हम टेन वाई इक्वल टू टी रखेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 3 इंटू माइनस बाहर आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स की जगह माइनस ऑफ डी वी है, ये आ गया डी वी अपॉन वी। ठीक है, क्या रखा हमने, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स की जगह रखा वी, माइनस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डीवी प्लस। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन वाई की जगह मैंने टी रखा था, सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई की जगह डी टी, ये आ गया डी टी अपॉन टी इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 3 डीवी ये आ जाएगा लॉग ऑफ वी, क्या हो जाएगा, माइनस 3 लॉग ऑफ वी प्लस ये भी क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टी इक्वल टू लॉग ऑफ सी, कांस्टेंट भी हमने लॉग में ले लिया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पे हमको ऊपर वाला फाइंड आउट होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट लॉग ऑफ वी भी हम लिख सकते हैं, लॉग में लिख सकते। ठीक है, और कैसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन करने पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, लॉग ऑफ वी टू दी पावर माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ टी इक्वल टू लॉग ऑफ सी। अब लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग ऑफ सी, लॉग से लॉग हट जाएगा, ये आ जाएगा वी टू दी पावर माइनस 3 टी इक्वल टू सी। अब हम v और t की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की वैल्यू क्या क्या थी मेरे पास, 1 माइनस e टू दी पावर x, 1 माइनस e टू दी पावर x की पावर माइनस 3 इंटू टी, टी इक्वल टू टेन ऑफ y इक्वल टू c, क्या आ जाएगा आंसर, 1 माइनस e टू दी पावर x की होल पावर माइनस 3 इंटू टेन y इक्वल टू c। ठीक है, क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं, यहां से हमने क्या किया, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स को रख दिया हमने वी, तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, पर माइनस साइन में माइनस आएगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डीवी हो जाएगा, देन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डीवी हो जाएगा, ये वैल्यू हमने रख दी माइनस 3 डीवी अपॉन वी। नेक्स्ट क्या करेंगे, टेन वाई इक्वल टू टी रखा, देन सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा डी टी, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी, इसका हो जाएगा माइनस 3 लॉग वी प्लस लॉग टी लॉग ऑफ सी। अब मैंने क्या किया, इस पावर को आगे ले लिया, ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन ये आ जाएगा लॉग ऑफ सी, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन, लिखती है लॉग ऑफ सी, तब लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, वी टू दी पावर माइनस 3 टी इक्वल टू सी। ठीक है, वैल्यू हम साफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी इक्वल टू क्या, ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, आ जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स की होल पावर माइनस 3 इंटू टेन वाई इक्वल टू सी। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा, जो आंसर हमको फाइंड आउट करना था वो आंसर मिल गया। ओके, अब आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
डिवाइड बाय डीएक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइड बाय डीएक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सेपरेट करो। सबसे पहले सेपरेट करेंगे तो इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, अब सेपरेट कर लो। dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू dx माइनस साइन आएगा इधर, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, अब इसको वापस उधर ले जाएंगे। देन dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब इंटीग्रेशन करो बोथ साइड। हम जानते हैं कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स x। क्या होता है? dx अपॉन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x, और हमने कांस्टेंट भी क्या ले लेंगे, साइन इनवर्स c। ठीक है, जैसा हमारा फॉर्म है उस टाइम से हम ले लेते हैं क्वेश्चन कांस्टेंट। अब देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी। ओके, अब देखो आगे, साइन इनवर्स साइन इनवर्स हटा दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। यही हमारा क्या है, आंसर होगा। ओके, अब अभी तक हम जो पढ़े वो क्या पढ़ा हमने, मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेट करने की मेथड। पर कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे ये तो इजीली हमारे पास हो गए, सेपरेट कर सकते थे, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जब हमारा, हम इक्वेशन को इजीली सेपरेट नहीं कर पाते, तब हमको क्या करना, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, कुछ वैल्यू को रख के उसके बाद हम उसको सेपरेट करते हैं। अब हम कुछ उस टाइप की क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, उसकी क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या है? डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर।
अब इस इक्वेशन को देख के हमको लग रहा है कि हम इजीली इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। यदि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो फिर x और y तो कंबाइन आएंगे ही आएंगे, उनको इजीली सेपरेट कर ही नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन 4x plus y plus 1 इसकी जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4x plus y plus 1 equals to v सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, v सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस dy बाय dx और 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इक्वल्स टू dv बाय dx, देन dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dx इक्वल्स टू dv बाय dx माइनस 4। क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू dv बाय dx माइनस 4। अब ये जो वैल्यू है ना वो हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ dy बाय dx फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू मेरे पास, dv बाय dx माइनस 4 इक्वल्स टू v स्क्वायर। क्या हो जाएगा, dv बाय dx माइनस 4 इक्वल्स टू v स्क्वायर। अब हम इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dv बाय dx इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 4। क्या हो जाएगा, dv बाय dx इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 4। देन सेपरेट करो, dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू dx, ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dv इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब करो इसका, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, अब यह देखो ये v स्क्वायर है, ये 4 है तो a स्क्वायर है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैसे लिखूंगी, पर एक टर्म तो बढ़ा दूंगे, dv अपॉन v स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 बाय 2 x अपॉन a v बाय 2 और ये हो जाएगा x प्लस सी। क्या हो जाएगा ये, 1 बाय 2, इसका क्या, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 1 बाय 2, a की जगह 2 है तो 1 बाय 2 tan इनवर्स v बाय 2 इक्वल्स टू x प्लस सी। x का तो dx का x हो गया, कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। अब करो आगे, और इसको मैंने इधर ले लिया, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v बाय 2 इक्वल्स टू 2x प्लस ये 2c आ गया। अब 2c कॉन्स्टेंट है तो या तो मैं c ही रहने दू या फिर मैंने इस कॉन्स्टेंट को चेंज कर दिया। मैंने क्या लिख दिया सर, tan इनवर्स v बाय 2 इक्वल्स टू 2x प्लस नया कॉन्स्टेंट ले लिया k। क्या ले लिया, नया कॉन्स्टेंट k ले लिया, ओके। अब देखो, अब वैल्यू रखो वापस, v की वैल्यू वापस रखनी है, v इक्वल्स टू क्या रखा था मैंने, 4x प्लस y प्लस 1, ये यहाँ पे वैल्यू रख दो, देन tan इनवर्स 4x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2x प्लस k। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2x प्लस k। अब tan इनवर्स को मैं इधर ले जा सकती हूँ, ठीक है। अगर इधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा tan इनवर्स को उधर, tan को उधर ले जाऊंगी, ये हो जाएगा 4x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू tan 2x प्लस कि जब tan इनवर्स है वो यहाँ इधर आ जाएगा तो किसमें क्या चेंज हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन 4x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 4x प्लस y प्लस 1
इक्वल्स टू आ जाएगा 2 tan 2x plus k, क्या हो जाएगा 2 tan 2x plus k, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो इजीली सेपरेट नहीं हो पा रही थी, तो हमने कुछ सब्स्टिट्यूट करके फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। ओके, अब हम आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। पावर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 plus dy by dx। ओके, क्या देखा हमको, e टू दी पावर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 plus dy by dx। इसको भी उसी मेथड से करेंगे हम, पुट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी, देन 1 plus dy by dx इक्वल्स टू dv by dx। ठीक है, क्या करते हैं हम, y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो x का तो क्या आ जाता है 1, और y का करेंगे तो y का होता 1 है, पर साथ में dy by dx आएगा, v का करेंगे तो dv by dx आ जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, e टू दी पावर v इक्वल्स टू dv by dx। सेपरेट कर लो इसको, dv upon e to the power v equals to dx, क्या हो जाएगा ये dv upon e to the power v equals to dx। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास e to the power minus v dv equals to dx। इंटीग्रेशन करो बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये क्या हो जाएगा -e to the power minus v। e टू दी पावर एक्स का क्या होगा, e टू दी पावर एक्स ही होता है, e टू दी माइनस एक्स होता क्या हो जाएगा -e to the power minus x, ये आ जाएगा -e to the power minus v। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा e to the power minus v plus x plus c equal to 0। अब हम v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ये ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन को, अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।